नमस्कार, स्टेज न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोहम्मदी विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरखेरा न्याय पंचायत मूडा गालिब के उच्च प्राथमिक विद्यालय बरखेरा में मिड डे मील के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। बताया जा रहा है कि मानक के अनुरूप नहीं दिया जा रहा है छात्र छात्राओं को खाना। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। विद्यालय के प्रधानाध्यापक अवधेश वर्मा की लापरवाही से कई बच्चे बीमार हो सकते हैं। आपको दिखाई जा रही विद्यालय की, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में संबंधित प्रधानाध्यापक को जी रसोईया को भी नोटिस जारी की जाएगी। शासन की मंशा है कि प्रत्येक विद्यालय में मानक और मेनू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन बच्चों को मिले। अभी अभी आपको जानकारी भी दी गई होगी SDM महोदय के द्वारा जी, तो ऐसे लोगों पे क्या करना चाहेंगे आप? उनके खिलाफ जांच होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे जो है देखो, देखने में तो ये जो है कच्ची सी लग रही है, लेकिन वास्तव में ये पकी मालूम हो रही है। पैसा आता है मिड डे मील के लिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए और रसोई है वहाँ तीन तीन लगे हुए हैं, तो उस ध्यान से रोटी उनको बनाना चाहिए। आपके तौहीद खान की रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबर से सबसे पहले रूबरू होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी न्यूज़ आपको पसंद आए तो शेयर जरूर करें।